हाय गाइस, मैं योगेश कुमार शुक्ला आपके सामने आईटी सिक्योरिटी एंड एथिकल हैकिंग की न्यू क्लासेस लेकर आए हैं। इसमें से हम आपको सबसे पहले पढ़ेंगे डेस्कटॉप एंड सर्वर सिक्योरिटी। आईटी सिक्योरिटी में कई सारे फील्ड्स हैं, कई सारे अलग अलग कॉन्सेप्ट, जैसे डेस्कटॉप सर्वर सिक्योरिटी आता है, वेब सिक्योरिटी आता है, नेटवर्क सिक्योरिटी आता है, और फिर आता है एथिकल हैकिंग। तो सबसे पहले हम ज़रूरत होती है कि किसी भी एक सिस्टम को, एक लैपटॉप को, एक पीसी को, एक सर्वर को प्रोटेक्ट किया जाए, क्योंकि डाटा किसी एक मशीन पे ही होता है। एक सिस्टम से डाटा दूसरे सिस्टम में जाता है, फिर सिस्टम से इंटरनेट पे जाता है, तो एक सिस्टम से जब दूसरे सिस्टम पे जाता है मतलब वो नेटवर्क क्रिएट करता है, तो फिर हम नेटवर्क प्रोटेक्ट करते हैं, नेटवर्क सिक्योरिटी देखते हैं, नेटवर्क हैकिंग देखते हैं। इसके बाद हम वेब की बात करते हैं, जहाँ पर इंटरनेट होता है, पूरा वर्ल्ड होता है। तो हम एक सिस्टम को कैसे कैसे प्रोटेक्ट कर सकते हैं? एक देखिए, अगर हमारे सिस्टम में डाटा है तो आज पूरे वर्ल्ड की एक ही प्रॉब्लम है, डाटा थेफ्टिंग, डाटा सिक्योरिटी। और डाटा सिक्योरिटी मीन्स आईटी सिक्योरिटी, जो कंप्यूटर में, मोबाइल में, सर्वर में, लैपटॉप में, पीसीज के थ्रू डाटा की एक्सेसिंग, डाटा की थेफ्टिंग, डाटा की अन ऐसे पर्संस जो अनऑथराइज्ड है, हमारे डाटा को, हमारी विदाउट परमिशंस डाटा को एक्सेस कर रहे हैं, ये सारी चीज़ें हमारी डाटा थेफ्टिंग, डाटा हैकिंग के अंतर्गत आती है। इनको हम प्रोटेक्ट करते हैं, सिक्योर करते हैं, ये हमारा कहलाता है कंप्यूटर सिक्योरिटी और डेस्कटॉप एंड सर्वर सिक्योरिटी के अंतर्गत आती है चीज़ें। आज पूरे वर्ल्ड में सबसे बड़ी एक ही प्रॉब्लम है होल वर्ल्ड की, साइबर सिक्योरिटी। साइबर सिक्योरिटी में ये नेसेसरी नहीं है कि आपका जो डाटा चोरी करने वाला पर्सन है तो वो आपके कंप्यूटर से ही डाटा चोरी कर रहा हो। वो ऐसा भी हो सकता है कि आपके कंप्यूटर का डाटा आपके द्वारा सोशल इंजीनियरिंग के द्वारा भी एक्सेस करवा सकते हैं। लोग बातों ही बातों में आपसे बहुत सारी इन्फॉर्मेशन ले सकते हैं। सबकी क्लासेस हम आगे आपको देंगे, डिटेल में ये सारी चीज़ें क्लासेस रहेंगी, कैसे कैसे होता है। और कुछ चीज़ें ऐसे भी होती हैं कि जैसे कि हम इंटरनेट पर किसी से बात कर रहे हैं, चैट कर रहे हैं, मुझे पता ही नहीं होता कि हम अपनी सारी इन्फॉर्मेशन कैसे उसको दे रहे हैं। बस नॉर्मल कन्वर्सेशन होता है, वो हमसे पूछता जाता है कि आप क्या हो, कहाँ से हो, क्या करते हो, क्या क्या कर चुके हो, आपका कांटेक्ट नंबर क्या है। धीरे धीरे हम उससे मिल ले, जबकि हम उससे मिले नहीं हैं, फिर भी हम अपनी सारी चीज़ें उनको बताते जाते हैं। और एक टाइम ऐसा आता है कि हम उनसे बहुत कुछ घुल मिल जाते हैं और सारी इन्फॉर्मेशन दे देते हैं, तो ये भी एक प्रकार की हैकिंग होती है। अब आज के एजेंडे की बात करते हैं हम, जिसमें से सबसे पहले हम बात करते हैं कि कंप्यूटर सिक्योरिटी क्या है, कंप्यूटर सिक्योरिटी। फिर इसके बाद हम देखेंगे कंप्यूटर सिक्योरिटी के गोल्स क्या है। फिर इसके बाद हम डिस्कस करेंगे किसको हम सिक्योर कैसे कर सकते हैं, कंप्यूटर सिक्योरिटी को कितने प्रकार से सिक्योरिटी हम लगा सकते हैं, इसके कंप्यूटर सिक्योरिटी के लॉसेस क्या हैं, अटैक्स कितने प्रकार से होते हैं, और सिक्योर कैसे करेंगे। इन सारी चीज़ों पर हम एक एक करके आगे डिस्कस करेंगे। अब बात करते हैं कंप्यूटर सिक्योरिटी क्या है। कंप्यूटर सिक्योरिटी अथवा आईटी सिक्योरिटी, जो कि हमारे इलेक्ट्रॉनिक डाटा को कभी वायरस के द्वारा, कभी हार्डवेयर के द्वारा, कभी सॉफ्टवेयर के द्वारा, एसेंशियल डाटा को किसी न किसी प्रकार से डैमेज किया जाता है, थेफ्टिंग की जाती है, और डायरेक्टली इनडायरेक्टली हमारे डाटा को लॉसेस पहुंचाए जाते हैं, वो हमारी चीज़ें क्या किसके अंतर्गत आती है, साइबर सिक्योरिटी की। जैसे कि हम एक बात डिस्कस कर ही लेते हैं कि हमारा बहुत ही इंपॉर्टेंट डॉक्यूमेंट्स होता है, पैन कार्ड, आधार कार्ड और आईडी प्रूफ। हम जाते हैं आईडी प्रूफ लेगा बहुत, अब तो धीरे धीरे ये साइबर सिक्योरिटी के चलते बहुत कम होता जा रहा है। नहीं, पहले हम जाते थे अपना कोई सिम कार्ड लेने जाते थे, अदर चीज़ें, वो हमसे दो फोटो, तीन फोटो, चार फोटो ले लेते थे, आधार कार्ड, आईडी कार्ड ले लेते थे, और एक फ़ोटो लगा करके और कोई सिम निकाल करके हमारे ही आईडी पर, हमारी फ़ोटो पर किसी और को भी सिम निकाल के दे देते थे, चार छः सिम निकाल के दे देते थे। और फिर बहुत सारे लोग जो ऐसे पर्सनस हैं जो फ्री की सिम ले रहे हैं, तो वो फिर उसका अननेसेसरी यूज करते थे, और वो पर्सन्स पकड़े जाते थे जो कहीं ना कहीं उसमें इन्वॉल्व नहीं है, बस अवेयरनेस के कारण वो उसमें पकड़े जाते थे। तो ये सारी चीज़ें हमारी किसके अंतर्गत आती है, अवेयरनेस की कमी के कारण हमारे डाटा थेफ्टिंग होती है। अब इसमें से आता है कंप्यूटर सिक्योरिटी के अंदर तीन चीज़ें आती हैं, जिसमें हमारा हार्डवेयर, हार्डवेयर के अंतर्गत हार्डवेयर सिक्योरिटी कैसे, जैसे हमारा मेमोरी है और हार्ड डिस्क है, अब इसकी थेफ्टिंग हो गई, मेमोरी रैम वगैरह है, रैम डंप कर दिया जाता है, ओवरलोड कर दिया जाता है, और हार्ड डिस्क किसी न किसी क्रैश कर दिया गया हार्ड डिस्क की चोरी के द्वारा। तो हार्डवेयर सिक्योरिटी जो, मतलब ऐसे पार्ट्स जो फिजिकल
टचेबल होते, मूवेबल होते, उनके उनको अगर द्वारा किसी न किसी प्रकार की सिक्योरिटी या फिर हमारे हैकिंग की जाती है, वो सारी चीज़ें हार्डवेयर कहते हैं। फिर आता है हार्डवेयर के बाद आता है फर्मवेयर। फर्मवेयर क्या होता है, जो ऐसे सॉफ्टवेयर पार्ट्स जो सिस्टम को वर्किंग के लिए बहुत इंपॉर्टेंट है। इनिशियल जो स्टार्टअप पार्ट्स होते हैं वो सारे पार्ट्स आपके फर्मवेयर के अंतर्गत आते हैं, और जो सिस्टम को चलाने के लिए कंपलसरी होते हैं, जिनके बिना सिस्टम हमारा प्रॉपर तरीके से वर्क नहीं कर पाएगा, वो सारी चीज़ें फर्मवेयर के अंतर्गत आता है। फिर इसके बाद आता है सॉफ्टवेयर। सॉफ्टवेयर की अंतर्गत हमारी चीज़ें आती हैं, जैसे जो हम सिस्टम में एक्सटर्नल लूप से किसी भी पर्टिकुलर एप्लीकेशन को ऑपरेट करने के लिए इंस्टॉल करते हैं, वो सारी चीज़ें सॉफ्टवेयर के अंतर्गत आती है। सॉफ्टवेयर आपको हमने पहले से बता रखा है, 3 प्रकार के होते हैं, सिस्टम, यूटिलिटी और एप्लीकेशन। अब इसमें ऑपरेटिंग सिस्टम से भी चीज़ें होती है। ऑपरेटिंग सिस्टम में कुछ जैसे हम इंटरनेट से डाउनलोड करते हैं तो कुछ वायरस मालवेयर वगैरह बैक एंड पे उसको अटैच करके भेज दिया जाता है। लोग जितने को हम शेयर करते जाएंगे वो उन सब का डाटा लीक होता है। ऐसे सॉफ्टवेयर भी होते हैं, ब्राउजर्स होते हैं, ब्राउजर के अंदर कुकीज हाईजैकिंग हो जाती है, सेशन हाईजैकिंग हो जाती है। ये जैसे हम बहुत सारे आज अभी आपको पता है कि एक चाइनीज सॉफ्टवेयर सबसे ज़्यादा आज IT सिक्योरिटी के लोग यूज कर रहे हैं, जूम। जूमबार सॉफ्टवेयर जो होता है वो चाइनीज है, वो जो कि आज अपने इंडिया में बहुत सारे लोग उसके द्वारा स्मार्ट क्लासेस और वीडियो के लिए यूज करते हैं, जिसमें से आपके डाटा बहुत ज़्यादा लीक हो रहे हैं, और वो सब डाटा अपने पर्सनल रूप से उसको शेयर भी कर रहा है और बेच भी रहा है। तो हमें ज़रूरी होता है कि जब हम कोई सॉफ्टवेयर एप्लीकेशन इंस्टॉल करें तो उसके फीचर्स के बारे में पढ़ लें, वो कहाँ का है, कैसे कैसे यूज होगा, तो ये सारी चीज़ें हमें जानना बहुत ज़रूरी होता है। फिर इसके बाद आता है कंप्यूटर सिक्योरिटी के गोल्स। मेन 3 ही गोल होते हैं, कॉन्फिडेंशली, डाटा इंटीग्रिटी एंड एबिलिटी। इसके बाद 2 और आज कलेक्ट के कंट्रोल एंड ऑडिट, इनके बारे में हम देखते हैं। जो आपको पहला नंबर पे आता है कंप्यूटर में कॉन्फिडेंशली के अंतर्गत, तो इसके अंतर्गत हमारा ये डाटा के अंदर ये देखा जाता है कि डाटा में सिक्योर कहाँ किस लेवल पर तक सिक्योर है, कितना हमें डाटा पे कॉन्फिडेंस है कि हमारा डाटा सिक्योरिटी, उसमें हमारा इंक्रिप्शन डिस्क्रिप्शन यूज किया गया है या नहीं किया गया है, फिजिकली डाटा हमारा रखा कहाँ गया है, जिस ड्राइव पे रखा गया है उसकी स्थिति क्या है, ये सारी चीज़ें इसके अंतर्गत देखा जाता है। इसके बाद आता है हमारा डाटा इंटीग्रिटी। डाटा इंटीग्रिटी के अंतर्गत देखा, अब जैसे डाटा हमने बना दिया, उसके थोड़ा बहुत कुछ लेवल पर हम उसको सिक्योर भी कर दिया, अब उस डाटा किसी रीजन से हमसे डिलीट हो जाता है, हार्ड डिस्क क्रैश हो जाती है, कुछ ऐसी चीज़ें आ जाती है, तो डाटा कोई बैकअप है या नहीं है कि बस एक बार डाटा हमने बना लिया, अगर सपोज जैसे हम कोई भी फाइल ही बनाते रहते हैं, वर्क करते रहते हैं, हमें ध्यान नहीं कि हमने फाइल को सेव किया, यानी कि लाइट चली गई, हमारा डाटा लॉस होता है। ऐसे ही हम उसमें से एक इंश्योरिटी देते हैं कि हमारा डाटा कितनी इंटीग्रिटी है, इसको हम किस लेवल पर इससे क्योर, ये सारी चीज़ें इंटीग्रिटी के अवेलेबिलिटी। अब इस डाटा को कौन कौन से पर्सन यूज कर सकते हैं, ये कितना प्रेफरेबल है किसी और पर्सन के लिए, और ये इसमें कितनी किस लेवल की सिक्योरिटी लगाई गई, ये सारी चीज़ें हमारी डाटा अवेलेबिलिटी के कंट्रोल के अंतर्गत आता है। हम डाटा कंट्रोलिंग 2 प्रकार के, एक्सेस कंट्रोल और फिजिकल सिक्योरिटी। अब एक्सेस कंट्रोल में हमारा डाटा जैसे होता है कि हर एक सिस्टम में हमेशा हम 2 प्रकार के यूजर रखते हैं, एक होता है गेस्ट यूजर, एक एडमिन यूजर होता है। एडमिन यूजर का काम ये होता है कि फुल कंट्रोल सिस्टम, किसी फाइल को एडिट, डाउनलोड, अपलोड, इंस्टॉल, अनइंस्टॉल, सॉफ्टवेयर, एवरीथिंग, एवरी ऑपरेशन परफॉर्म करता है। जो आपका गेस्ट यूजर होता है वो क्या करता है, कुछ लिमिटेड परमिशंस होती है, कुछ कॉमन ऑपरेशन, कुछ फाइल को एग्जीक्यूट करना, रीड राइट हम अगर, तो ऐसे ही हमारे जो बहुत ही इंपॉर्टेंट सेंसिबल डाटा है, तो हम कोई भी पर्सन अगर चाहता है कि आपका सिस्टम यूज करे, तो आप हमेशा उसको गेस्ट यूजर से लॉगिन दें, जिसके कारण वो आपके सेंसिबल डाटा को यूज ना कर पाए, क्योंकि उसको परमिशन नहीं रहेगी कि वो कोई सॉफ्टवेयर इंस्टॉल करके सेंड कर पाए, कोई नेटवर्क में आप डाटा शेयर कर पाए, क्योंकि उसके पास सारे कोई बड़ा टास्क करने के लिए आपसे परमिशन मांगेगा। तो वो सारी चीज़ें आ जाती है कंट्रोल के अंतर्गत। फिर ऑडिट, ऑडिट के अंतर्गत ये होती है, अब जैसे देखिए सबसे इंपॉर्टेंट चीज़ होती है ऑडिट। आज हमें ऑडिट के बारे में देखते हैं कि अगर कोई एक सिस्टम है, अब सिस्टम के आपके सिस्टम में कितनी लॉक फाइल्स हैं, आपके में बैकएंड में कौन कौन से सॉफ्टवेयर चल रहे हैं, इन सॉफ्टवेयर को कैसे पता चले कि हमारे सॉफ्टवेयर हमारे लिए यूजेबल है या नहीं। अगर आप एक IT एक्सपर्ट बनना चाहते हो तो आपके बैकएंड में जितने सारे सॉफ्टवेयर हैं, कौन सी कितनी प्रोसेस ले रहा है, उन सब के बारे में नॉलेज होना ज़रूरी है। हम बैकएंड सॉफ्टवेयर देखते हैं कौन कौन सी प्रोसेस चल रही हैं, जब आपको सारे प्रोसेस के बारे में पता चलता है, तो जो अननेसेसरी बग्स हैं या सॉफ्टवेयर हैं या आपके वायरस है, तो आप उनको डिटेक्ट करने में प्रॉब्लम नहीं होगी, और आप उनको डायरेक्ट डिटेक्ट करके स्टॉप कर सकते हो, किल कर सकते हो, जिससे आपका सिस्टम परफॉर्मेंस बेटर रहेगी, आपका सिस्टम कभी भी हैक नहीं हो सकता। गाइस ये हमारा फर्स्ट वीडियो है, और इसके बाद हम
एक और वीडियो होगा, फिर इसके बाद हमारी प्रैक्टिकल क्लासेस रहेंगी, तो आपसे अनुरोध है उसको देखना नहीं भूले। थैंक्स फॉर वॉचिंग।